देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब सभी संस्कृत विद्यालयों को मिलेगा अनुदान। शासन ने इसके संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सचिव चंद्रेश यादव ने यह आदेश जारी किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर यह आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के तहत अब सभी संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिया जाएगा। तो जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं उन्हें अनुदान राशि दी जाएगी। शासन ने इसके लिए संशोधित आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं सीएम के आदेश पर। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम के निर्देश पर सचिव चंद्रेश यादव ने यह आदेश जारी किया है। हाल ही में उत्तराखंड प्रदेश में नई शिक्षा नीति आई है और शिक्षा नीति में नए कई कानून ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि उत्तराखंड की शिक्षा एक तरीके से मजबूत हो सके। और अब देखिएगा कि शिक्षा नीति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि जो अभी एक निर्देश और जारी किया गया है, जो उस शिक्षा सचिव हैं संस्कृत शिक्षा सचिव चंद्रेश यादव, उन्होंने एक आदेश जारी किया है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब जो सभी संस्कृत विद्यालय हैं को एक अनुदान दिया जाएगा ताकि संस्कृत को बढ़ावा मिल सके। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो उच्च शिक्षा वाले जो संस्थान है जिनमें उच्च शिक्षा पढ़ाई जा रही है, महाविद्यालय है, उन्हीं को अब जो है उच्च शिक्षा की जो पढ़ाई की जा रही है उसी को लेकर अब उन संस्थानों को ही उच्च शिक्षा के जो कहा जाए कि एक तरीके से जो परमिशन होती है वो उन्हीं विद्यालयों को मिल पाएगी कि जो उच्च शिक्षा को पढ़ाते हों। तो देखिएगा कि अब जो नए सिरे से जो आदेश जारी चंद्रेश यादव के द्वारा किए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो शिक्षा वाले संस्थान है उनको ही वो शिक्षा की जो परमिशन है वो मिलेगी। और उसके बाद देखेगा कि पूरी जो कहा जाए कि शिक्षा नीति को मजबूत हो इसको लेकर ये फैसला लिया गया है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा, उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के